हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप अपने ट्रांसट्यूटर के अंदर अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको जो भी अपने क्वेश्चंस करें उसकी पेमेंट आपको रिलीज हो जाए। तो उसका पूरा प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, डेफिनेटली आप इसके बाद अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर पाएंगे। तो जब आपने अगर आपका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हो रखा होगा तो जब भी आप ट्रांसट्यूटर साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, प्लीज नोट दैट नो पेमेंट विल बी डन अनटिल एंड अनलेस बैंक अकाउंट्स आर कंप्लीट। इसके पास में फिल नाउ का बटन होगा, आपको फिल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप फिल नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा सा आपका पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट इन इंडिया है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर ले, आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट कर ले। मैं इन इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता देता हूँ मैं आपको। आपकी फाइनल की मार्कशीट चाहिएगी या सीए फाइनल या बीकॉम की मार्कशीट, आपकी कैंसिल चेक की कॉपी रिक्वायर्ड रहेगी आपको एक, और एक आपको रहेगा पैन कार्ड का फोटो रिक्वायर्ड। तीन चीजें रिक्वायर्ड रहेगी। और बैंक डिटेल्स में आपको अकाउंट नंबर और HDFC कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, HDFC नहीं IFSC कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर ये आप सबका आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैंड है और अगर इन PDF फॉर्म में है तो इनको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इन इमेज फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे इमेज फॉर्म ही अपलोड होने वाले हैं। अब हम बैंक डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बैंक का नेम, जो कि आपका जो भी बैंक है वो डाल सकते हैं, HDFC मेरे केस में है। अकाउंट होल्डर नेम में अपना जो भी फुल नेम आपका बैंक अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वही डालें। और उसके बाद अकाउंट नंबर आपको अपना जो अपने शेव यहाँ पे कर रखा होगा उससे आप कॉपी करके अकाउंट नंबर डाल दें। बैंक एड्रेस आप अपना सिटी डाल सकते हैं जहाँ पे आपका बैंक है। और टाइप ऑफ बैंक के अंदर आप डाल दें सेविंग, अगर आपका सेविंग है, करंट अगर आपका करंट अकाउंट है। पैन नंबर आप अपना डाल सकते हैं, यहाँ पे स्कैन कॉपी से देख के डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पैन कार्ड की कॉपी अपडेट करनी है, अपलोड पैन कार्ड। तो चूज फाइल करिए आप अपनी, चूज फाइल करके ये पैन कार्ड अपना सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपलोड कैंसिल चेक करना है आपको, तो कैंसिल चेक भी यहाँ से आप अपना अपलोड कर दीजिए। IFSC कोड जो हमने बैंक डिटेल में सेव कर रखा था वो यहाँ से पेस्ट कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन लास्ट ऑप्टेंट डिग्री यानी कि अपनी जो CA या BCOM की मार्कशीट है वो अपलोड कर दें और यहाँ पे इसको अपडेट पे क्लिक कर दें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले एक साथ इकट्ठे कर लेने हैं, फिर उसके बाद आपको अपडेट करना है। तो आपकी जो भी बैंक डिटेल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी और इस बैंक में आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके पैसे आपके आ जाएंगे। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फ्रीलांसिंग करियर में हेल्प मिलने वाली है। इसी बात से वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।